कि हम लोग जैसा आलू का जैसा है, आलू जैसा सब सब्जी में मिला देते हैं, सेविका का हल वही है। तब तक 21,000 न्यूनतम वेतन देना होगा। देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप के लिए मोबाइल देना होगा। देना होगा, देना होगा। सभी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप के लिए मोबाइल देना होगा। देना होगा, देना होगा। मोबाइल डाटा और इंटरनेट की कनेक्टिविटी की व्यवस्था सरकार को करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमाम आंगनबाड़ी बहनों को सरकारीकरण करना होगा, करना होगा, करना होगा। अभी सबसे पहला मांग है कि आंगनबाड़ी सेविका कोरोना काल में भी एक फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी इनका ना इंश्योरेंस किया ना इनका कुछ किया, यहाँ तक कि इनकी वेतन में भी किसी तरह का वृद्धि नहीं है। हमारी मांग है कि कम से कम अभी जब तक सरकारीकरण नहीं होता है तब तक हमें कम से कम 21,000 रुपया वेतन दें, और सरकारीकरण करके 3 क्लास में सेविका और 4 क्लास स्टाफ के रूप में सहायिका को नियुक्ति करें। जिला अध्यक्ष हूँ आंगनबाड़ी सेविका सहायक संघ का। हम लोग का मांग यही है, हम लोग का तो सरकारीकरण करना चाहिए सरकार को, क्योंकि हम लोग जैसा आलू का जैसा है, आलू जैसा सब सब्जी में मिला देते हैं, सेविका का हल वही है। हर जगह हर काम में सेविका को दिया जाता है, लेकिन उसके लिए कोई सम्मान भी नहीं, सम्मानजनक व्यवस्था भी नहीं। आज 1.5 साल से हम लोग कोरोना में, जिस समय घर से निकालना बंद था, कोई घर से नहीं निकलता, सरकार का आदेश था, उस टाइम सेविका लोग घूम घूम कर हर हर टोला में जाते थे, घूमते थे, सर्वे करते थे, कौन बाहर से आया कौन नहीं, उसका रिपोर्ट लेकर पंचायत भवन में देना था, उसके बाद पोषाहार घर घर जाकर वितरण करना था। सब लोग, हम लोग सब किए हैं, लेकिन आज तक सरकार का आंख में ये नहीं है कि सेविका के लिए कुछ सोचे, कुछ दे। हम लोग के परिवर्तन दूसरा को सब मिल रहा है, जैसे हमको बोलना नहीं है फिर भी बोल रहे हैं। स्वास्थ्य सहायक साथी को 50 लाख का बीमा बना दिए हैं, उन लोग का 200 रुपया हाजिरी बना दिए हैं, उन लोग का खाने और नाश्ता का व्यवस्था है, लेकिन हम सेविका के लिए वो भी सरकार का कुछ व्यवस्था नहीं है। ये हम सरकार के से निवेदन करते हैं, थोड़ा सा आँख से देखें और समान विचार करें, दोनों आँख को बराबर देखें। भाइयों बहनों नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।